अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आज हम अपने फाइनल टर्म की सीरीज़ स्टार्ट करें जो कि लेक्चर ट्वेंटी थर्ड से लेक्चर फोटी फाइव तक होंगी लेसन ट्वेंटी थ्री देख लेते हैं जिसमें हमने बायलिंग्वुलिज़म कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का कांसेप्ट पढ़ना है ठीक है पहले तो हम इसका शॉर्ट व्यू देख लेते हैं कि बायलिंगजम होता क्या है ठीक है पहले हम देख लेते हैं कि बायलिंगज्म कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होता क्या है पीछे हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में लेकिन अगेन रिवाइज़ uh, कर लेते हैं ठीक है थीके? इन चीज़ों को बाय किसे कहते हैं कि द बलट ई टू स्पीक टू लैंग्वेजेस ठीक है एक इंसान को अगर दो लैंग्वेज आती हों तो वो एक बाइलिंग पर्सन होता है और अगर दो से ज़्यादा आती हों तो वो एक मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है ठीक है कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं कि हम कन्वर्सेशन करते हुए अपनी एक लैंग्वेज में जो है वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स मिक्स करते चले जाएँ वो हमारे पास कोड मिक्सिंग होती है ठीक है यहाँ पर कोड जो है वो एक लैंग्वेज को शो कर रहा है ठीक है तो कोड मिक्सिंग में यानी कि लैंग्वेज को मिक्स कर देना और कोड स्विचिंग किसे कहते हैं कोड स्विचिंग मीन्स कि आप लोग कंटिन्यूसली जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं एंड आप एकदम से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में स्विच कर जाएँ उसे कोड स्विचिंग कहते हैं ठीक है हम इसके एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता चल जाएगा देखिए कोड स्विचिंग किसे कहते हैं इज अ वेल रिकोगनाइज फिनिना इन द स्पीच ऑफ बाई लिंगल और मल्टी लिंग्वल पीपल ठीक है और मल्टी लिंग्वलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी द यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेज बाई सिंगल इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकरस ठीक है अगेन मल्टी बताया गया है कि हमारी पूरी दुनिया में जो है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो मल्टी है यानी कि उन्हें दो से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती हैं एक उनकी मदर टंग एक उनकी आ, आप कह सकते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लैंग्वेज होती है एक उन्हें वैसे आ, उनकी कम्यूनिटी के लिहाज से आती होती है यानी कि काफ़ी लैंग्वेज़ पर उन्हें अबूर हासिल होता है ठीक है कोड सीटिंग में कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि द आल्टरनेशन बिटवीन लैंग्वेजेज ऑफ वराइटी इन द एंड सॉफ्ट इंडिविजुअल्स द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू लैंग्वेज और बिटवीन टू डायलैक्ट्स ठीक है आप लोग के पॉइंट्स को याद कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कोड मिक्सिंग की क्योंकि सिक्स सेवन और स्कूल दे वच स्पेंड कर देने दे आर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल द टाइम अब यहाँ पर क्या किया गया है कि पंजाबी और इंग्लिश को मिक्स किया गया है ठीक है क्योंकि हो गया उर्दू के, के वर्ड सिक्स सेवन और हो गया इंग्लिश के वर्ड स्कूल स्पेंड कर देने ये हमारे पास पंजाबी डायलैक्ट गई ठीक है तो ये क्या किया गया लैंग्वेज मिक्स कर दी गई हैं एक सेंटेंस में ठीक है कोड स्विचिंग देख लें इसमें क्या बताया गया है कि वाई डोंट वी ऑल गो टुगेदर टू न्यू दिल्ली एन uh, वन की शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो इंग्लिश का बोला गया है एंड देन उर्दू का एक सेंटेंस बोला गया है ठीक है तो ये क्या किया गया है कि इंग्लिश से उर्दू में स्विच कर दी गई है लैंग्वेज तो ये हमारे पास कोड स्विचिंग हो जाएगी ठीक है टॉपिक वन देखें फिनमिना ऑफ कोड मिक्सिंग उन्होंने यहाँ बताया गया कि कोड मिक्सिंग जो है वो इंटेंशनल भी हो सकती है और अन इंटेंशनल भी हो सकती है यानी कि हमें पता होता है बाजा हम जान बूझ कर कोड मिक्सिंग करते हैं और समटाइम क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, है ठीक है यह अचानक से हो जाती है ठीक है उसके अलावा क्या बताया गया कि स्पीकरस में इंगेज इन कोड मिक्सिंग एज अ नेचुरल एंड अनकॉन्शियस लैंग्वेज एक्ट ठीक है वही बात बताई गई है कि सम टाइम हम नेचुरल तरीके से हमें पता नहीं चलता हम कोड मिक्सिंग uh, जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ठीक है कन्वर्सेशन में बाजाओकात हमें आदत होती है ठीक है तो वो कोड मिक्सिंग uh, इसमें आ जाती है उसके अलावा उन्हें बताया गया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोड मिक्सिंग को प्रॉम्प्स करते हैं ठीक है तो अब उसमें हमारे पास पार्टिसपेंट रिलेनशिप आ जाएगा उसमें हमारे पास उसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाएंगे लैंग्वेज एटीट ट्यूड्स मैसेज इंट्रेंसिंग फैक्टर इंटरजेक्शन कोटेशन ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने इन्हें याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बोरोइंग का ठीक है बोरोइंग किसे कहता है बोरो का मतलब होता है उधार लेना किसी चीज़ को ठीक है तो इसी तरह लैंग्वेज में बोरो का मतलब होता है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड्स अडॉप्ट कर लेना या उन्हें उधार ले लेना ये हमारे पास बोरोइंग कहलाता है ठीक है मे uh, बी आप लोगों को इस वे में जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इसे आप अपने वर्ड्स में न्यूरॉन वर्ड्स आप लोग इसे राइट कर सकते हैं बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये भी उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना है अब यहाँ पर टॉपिक वन थर्टी फाइव है प्रेगमेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग प्रेगमेटिक्स किसे कहते हैं जो लैंग्वेज का आगे फर्दर यूज़ होता है ना वो वो प्रेगमेटिक्स होता है आप कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मे बी आप लोगों को लैंग्वेज पर एक प्रॉपर अबूर हासिल हो गया एंड देन आप लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करें तो प्रेगमेटिक्स होता है नहीं ऐसा नहीं होता हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके हम छोटे छोटे फ्रेजेज़ यूज़ करें अपनी कन्वर्सेशन में तो इट मीन्स कि हम अब लैंग्वेज को प्रमोट करें हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें कन्वर्सेशन में तो यहाँ पर हम प्रेगमेटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है अब यहाँ पर टू रूल्स हाईलाइट किए गए हैं एक फ्री मॉर्फिम कॉन्स्ट्रेंट है और एक एक वायलेंस कॉन्स्ट्रेंट है ठीक है उससे पहले हम मॉर्फिम देख लेते हैं कि मॉर्फिम होता क्या है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड होता है अब एक वर्ड है हमें पता है एक वर्ड होता है जैसे कि यहाँ पर स्टैंड है अलोन है ये एक एक वर्ड है अब इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा एज वो एज वर्ड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होता है ठीक है जिसका मतलब भी होता है वो हमारे पास मॉर्फिम होता है ठीक है अब मॉरफिम के आगे टू टाइप्स आ जाते हैं एक हमारे पास फ्री मॉर्फिम होता है और एक हमारे पास बाउंड मॉर्फिम होता है फ्री मॉर्फिम किसे कहते हैं दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड जिसे किसी प्रीफिक्स या सुफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी एग्जांपल्स देखें आर दिस ईट लेट वांट ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है इसे हम समटाइम अनबाउंड मॉर्फिम भी कहते हैं और इसे हम फ्री स्टैंडिंग मॉर्फिम भी कहते हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पर बाउंड मॉर्फिम है उसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ बाउंड मोफिम किसे कहते हैं दैट कैन नोट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड जिसे और सुफिक्स की ज़रूरत होती है जिसके साथ कोई वर्ड अटैच किया जाए तभी वो वर्ड जो है वो ज्यादा बेस्ट वे में यूज किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर री जॉइन री स्टार्ट डिस वर्ड्स यूज किए गए हैं एंड देन बाउंड मोरफिम बनाए ठीक है उसके अलावा यहाँ पर फ्री मोरफिम कॉन्स्ट्रेंट में बताया गया एंड इंट्रासेंटेंशियल कहता है विद इन अ सेंटेंस स्विच में बी मेड बाय एनी बाई स्पीकर ओनली इफ आ कंस्टिटुन इज नोट अबाउंड मॉर्फिम ठीक है ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास जो हमारा कंस्टिटूंट होता है वो बाउंड मॉर्फिम ना हो ठीक है अब यहाँ पर फ्री मॉर्फिम कंस्टेंट्स में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं इधर हम शॉप में जाते हैं तो दिलो दिमाग नेचर की खामोश दिल आवेज़ियों से हल्के हल्के लुफ़ानदोज़ होंगे ठीक है तो यहाँ पर जो वर्ड शोप है ये एक फ़्री मॉर्फिम यूज़ किया गया है हमारी पूरी उर्दू डायलेक्ट में ठीक है यानी कि एक सेंटेंस हमने काफ़ी लंबा बोला है जिसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो फ्री मॉर्फिम के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं ठीक है थीके? ये काफ़ी ईजी एग्ज़ाम्पल है आप इन योर ऑन वर्ड्स भी अपने एग्ज़ाम्पल्स भी जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई मुनासिब लगे ठीक है उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड है कनिंग अब ये कनिंग वर्ड जो है इसमें कन जो है ये हमारे पास एक फ्री मॉर्फिम है और आई एन जी जो है ये हमारे पास एक बाउंड मॉर्फिम है और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास एक वर्ड बना कनिंग ठीक है जो कि एक सिंगापोरियन वर्ड है जिसका मतलब होता sleeping, है स्लीपिंग ठीक है उसके अलावा टॉपिक वन थर्टी सिक्स में अगेन प्रेगमेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग आ जाएगा अगेन यहाँ पर टू रूल्स जो हैं वो बताए गए हैं एक फ्री मॉर्फिम कॉन्स्ट्रेंट और एक एक वायलेंस है ठीक है उन्होंने यहाँ पर दो कंडीशंस बताई कि फ्री मॉर्फिम कॉन्स्ट्रेंट जो है वो तभी अक्कर होता है जब स्विचिंग इज पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव अ फ्री मॉर्फियम जब हमारे पास एक फ्री मॉर्फियम होगा ये तभी पॉसिबल होगा अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता और एक वाइबलेंट कॉन्स्टेंट्स में उन्होंने क्या बताया है कि इफ ग्रामर कोइंसाइड यानी कि ग्रामर जो है वो दूसरी ग्रामर को फॉलो करती होगी ठीक है यानी कि मिलती जुलती ग्रामर हो कोइंसाइड हो तभी एक वाइबलेंट कॉन्स्टेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है ठीक है अब एक वायबलेंट कॉन्स्टोट देखो कि कोड स्विचिंग अक्कर एट अ पॉइंट वेयर द सर्फेस स्ट्रक्चर और ग्रामर ऑफ टू लैंग्वेजेस कोइंसाइड ठीक है यानी कि एक इंग्लिश डायलैक्ट है एक उर्दू डायलैक्ट है यानी कि दो लैंग्वेजेस है ना तो इन दोनों की ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो भी मैच करना चाहिए एक दूसरे को एक दूसरे को ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए तब ये पॉसिबल हो सकती है बिकॉज दे हैव द सेम वर्ड ऑर्डर और कंस्टेटेंट ठीक है अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके अलावा पहले ये कंडीशन देखें कि एट पॉइंट वेयर द सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज कोइंसाइड साइड और बिटवीन सेंटेंस एलिमेंट दैट आर नॉर्मली ऑर्डर्ड इन द सेम वे बाई ईच इंडिविजुअल ग्रामर ठीक है अब एग्जाम्पल में यहाँ पर कासा ब्लांका आया जो कि एक स्पेनिश वर्ड है कासा हमारे पास नाउन है ब्लंका हमारे पास एक एडजेक्टिव है ठीक है और इंग्लिश में इसी को वाइट हाउस भी बोलते हैं जिसमें वाइट हमारे पास एडजेक्टिव है और हाउस हमारे पास नाउन है ठीक है तो अब क्या होगा कि अगर हम ब्लांका और हाउस को मिक्स कर दें दोनों को यूज़ करें तो ये एक हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा ठीक है तो इसलिए हमने बताया कि प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करता हो तभी एक वायलेंस कॉन्स्ट्रोडेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है ठीक है अब यहां पर एक और एग्जाम्पल दी गई है आई लाइक यू एंड ये एक वर्ड यूज किया गया है एंड देन इसी वर्ड को इंग्लिश में बताया गया कि आई लाइक यू बिकॉज यू आर नाइस ठीक है उसके अलावा अगेन जमील गेवा पेन एक लड़की को जॉन गेवा पेन टू अ गर्ल यानी कि ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है जॉन गिव अ पेन टू अ गर्ल लेकिन अगर यही वर्ड को हम उर्दू में लिखें कि जो जमील अ पेन एक लड़की को तो ये कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर कॉर्ड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी आ जाता है ठीक है इसमें क्या बताया गया है कि सम टाइम क्या होता है कि हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन में हम मतलब समझाने के लिए दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं उर्दू में भी इंग्लिश में भी ताकि हमारा जो इंटरलोकेटर है जो हमारे साथ बात हमारी सुन रहा है जो हमारे साथ बात कर रहा है उसको समझ आ जाए मतलब तब भी हम कोड स्विचिंग का यूज़ करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली तौर पर ठीक है तो ये यह यहाँ पर यही बातें की गई हैं आप इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अब यहाँ पर टॉपिक वन थर्टी एट है जिसमें बताया है गया कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटी यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने बताया है कि स्पीकर्स जो होते हैं ना सम टाइम वो चॉइसेस उनके पास होती हैं लैंग्वेज यूज़ करने की क्या होता है कि उर्दू में उन्हीं वर्ड को यूज़ करना जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल डिफरेंस क्रिएट कर देता है ठीक है लेकिन क्या होता है कि वही वर्ड को इंग्लिश में यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाता है वो ज़्यादा मतलब जो है वो समझा देता है समझने वाले को ठीक है जैसे जैसे यहाँ पर पोलाइटनेस यूज़ किया गया पोलाइटनेस में हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं ना थैंक यू माय प्लेयर ये वाले वर्ड्स होते हैं पोलाइटनेस को शो करते हैं तो हम क्या करते हैं हमें इन वर्ड्स की आदत होती है और हम ये यूज़ करते हैं ऐसे फेस सेविंग में क्या होता है कि सम टाइम हमने माफ़ी मांगनी होती है तो हम उर्दू में कहते हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहता हूँ तो क्या होता है ये वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ये सही से हमारा मतलब नहीं जाहिर कर रहे होते जिसको हम बात कह रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को हम आई एम सॉरी माई बैड इस तरह हम यूज़ करें तो क्या होता है कि ये मतलब भी समझा देते हैं ठीक है उसके अलावा उन्हें बताया गया है कि कोड मिक्सिंग को बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया गया है जैसे कि कलरफुलनेस एक्सप्रेसिवनेस इकानमी ठीक है इन सब में भी जो है वो कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग जो है वो यूज़ किया गया है जैसे कि एक्सप्रेसिवनेस में क्या है कि टू लैंग्वेज एक्सप्लोइेड इन पॉपुलर मीडिया सचेज़ न्यूज़ पेपर सॉन्ग्स एंड फिल्म यानी कि कुछ ऐसी कमर्शियल्स कुछ ऐसी फिल्म कुछ ऐसे सॉन्ग्स यूज़ हुए हैं जिनमें इंग्लिश और उर्दू टू डायलैक्ट्स को यूज़ किया गया है ठीक है एक्सप्रेसिवनेस में कुछ कमर्शियल्स आपने देखी होंगी जो आती हैं जिनमें पेप्सी के कमर्शियल है कि ये दिल मांगे मोर तो यहाँ पर जो मोर वर्ड है वो क्या है वो इंग्लिश का वर्ड है और ये दिल मांगे ये एक हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है ठीक है तो यहाँ पर दो डायलेक्ट यूज़ किए गए हैं उसके अलावा डॉक्टर स्किन नंबर वन चॉइस और शैम्पू थ्री मंथ्स में लॉन्ग नो वेटिंग साल साल तो अब यहाँ पर साल साल एक उर्दू वर्ड है ठीक है तो यहाँ पर भी बताया गया है कि कोड मिक्सिंग जो है वो यूज़ की गई है उसके अलावा कलरफुलनेस में जो है वो सॉन्ग्स हैं कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स के वट इज़ मोबाइल नंबर करूँ क्या डायल नंबर तो ये जो है वो कुछ सॉन्ग्स हैं इकोनॉमी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस मिली है ठीक है तो ये सारे ईजी कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था आई होप सो कि आप सबको ये ईजी वे में समझ आ गया होगा अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक like करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो में याद रखेगा